हाँ तो जी, फाइनली सैमसंग ने अपने 2024 के नए क्रिस्टल फोकस स्मार्ट टीवी सीरीज को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। वैसे सैमसंग की जो क्रिस्टल फोकस सीरीज है ना, ये काफी पॉपुलर सीरीज है और इस वजह से हर साल ये काफी ज्यादा बिकती भी है। वैसे कुछ टाइम पहले ही हमने इनका लास्ट ईयर वाला मॉडल इस चैनल पर बाय करके काफी अच्छे तरीके से रिव्यू करा एंड मुझे पर्सनली ओवरऑल टीवी काफी बढ़िया लगी इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, सब कुछ आपको काफी तगड़ा देखने मिलता है। ऑडियो इसकी थोड़ी डिसेंट है बट अपार्ट फ्रॉम दिस टीवी काफी बढ़िया है, मतलब मेरे हिसाब से गो टू स्मार्ट टीवी है। पसंद आए, बजट में आए तो आंख बंद करके ले सकते हो, सैमसंग क्रिस्टल सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। वेल, अभी फिलहाल यहां पर इन्होंने नए टीवीज लॉन्च करे हैं, तीन नए सीरीज यहां पर लॉन्च किए गए हैं, तो आज के वीडियो में जानेंगे कि यहां पर क्या कुछ नया देखने मिलता है, इन तीनों सीरीज में आपस में क्या डिफरेंस है, क्या प्राइसिंग है। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि 2023 वाले मॉडल्स भी इस समय मार्केट में अवेलेबल है, तो 2024 लिया जाए या फिर 2023 लिया जाए, ये सभी सवालों का जवाब हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड आइए चलिए वीडियो को यहां पर हम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले सैमसंग के 2024 के जितने भी नए स्मार्ट टीवीज हैं, इन सभी टीवीज का जो मॉडल नंबर है ये DUE से शुरू होता है। सैमसंग जो है नेमिंग के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करता है, तो अगर आपको टीवी के मॉडल नंबर से लॉन्च ईयर पता लगाना है तो आप सिंपली पता लगा सकते हो। अगर टीवी का जो मॉडल नंबर है वो BU से शुरू हो रहा है, मतलब वो 2022 का मॉडल है, CU से शुरू हो रहा है, मतलब 2023 का मॉडल है, और DUE से शुरू हो रहा है तो मतलब वो 2024 का मॉडल है। वेल, सैमसंग ने इस साल यहां पर तीन अलग अलग सीरीज लॉन्च करे हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन तीनों में आपस में क्या डिफरेंस है और प्राइसिंग क्या यहां पर आपको दिखने मिलता है। सबसे पहले सैमसंग क्रिस्टल विविट, जो कि आपको अमेजोन पर देखने मिल जाएगा, इसको आप बेस वेरिएंट कह सकते हो। इसका जो मॉडल नंबर है DUE70 है। प्राइसिंग की अगर बात करी जाए तो इसका जो प्राइसिंग है 43 इंच वाले वेरिएंट के लिए ये 33,000 रुपीज़ है। 55 इंच के लिए यहाँ पर इसकी प्राइसिंग 47 है। 65 इंच के लिए 68,000 रुपीज़ रखी गई है फिलहाल के लिए। और इसमें आपको जो चीज़ अलग देखने मिलती है वो है इसका रिमोट। इसके रिमोट में आपको सिर्फ वॉइस असिस्टेंट का बटन नहीं मिलता है, इसमें आप वॉइस कमांड नहीं दे पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दिस टीवी में आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो फ़र्क है वो सिर्फ वॉइस असिस्टेंट का ही यहाँ पर आपको देखने मिलता है। और अलग से अगर आप वॉइस एनेबल रिमोट लोगे तो वो भी यहाँ पर नहीं चलने वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सीरीज है वो है सैमसंग क्रिस्टल विजन प्रो, इसको आप मिड वेरिएंट कह सकते हो। इसका जो मॉडल नंबर है DUE76 है। प्राइसिंग की बात करी जाए तो यहाँ पर 43 इंच वाले वेरिएंट की प्राइसिंग 34.5 है, यानी बेस के कंपैरिजन में लगभग 1500 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। 50 इंच की प्राइसिंग 46.5 है। 55 इंच की प्राइसिंग यहाँ पर 49 है, मतलब बेस के कंपैरिजन में लगभग 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। 65 वेरिएंट की प्राइसिंग जो है वो यहाँ पर 70,000 रुपीज़ रखी गई है, मतलब DUE7 की कंपैरिजन में यहाँ पर आपको 2000 रुपए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब इसमें आपको क्या अलग देखने मिलता है, तो इसका जो ये रिमोट है इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है, बस यही एक डिफरेंस है जो कि यहाँ पर आपको देखने मिलता है, जिसके लिए आपको 1500 से 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इस साल के नए क्रिस्टल सीरीज में। वेल, इसके अलावा यहाँ पर और एक सीरीज लॉन्च किया गया जो कि है सैमसंग क्रिस्टल 4K विविड प्रो, इसको आप अपर सीरीज कंसीडर कर सकते हो। इसका मॉडल नंबर है DUE77। इसकी 43 इंच वाले वेरिएंट की प्राइसिंग 36,000 रुपीज़ है, मतलब बेस के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और मिड के कंपैरिजन में लगभग 1500 रुपए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। 55 इंच वेरिएंट की प्राइसिंग 50,000 रुपीज़ है, मतलब बेस के कंपैरिजन में 3,000 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब सेम डिफरेंस यहाँ पर भी देखने मिल जाता है। और 65 इंच के केस में यहाँ पर आपको 71,500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे इस टीवी के लिए। यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो आपको रिमोट में ही देखने मिलता है। यहाँ पर आपको सोलार रिमोट मिलता है, वॉइस इनेबल्ड है, पीछे बस आपको यहाँ पर ये सोलार पैनल लगा हुआ देखने मिल जाता है, जिसके थ्रू जो रिमोट है वो रूम में अवेलेबल लाइटिंग के थ्रू ही चार्ज होता रहता है। और इन केस अगर आप चाहो तो आप जो है इसे एक्सटर्नल चार्जिंग के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो, इसमें आपको इंटरनल बैटरीज मिल जाती है। बस यही रिमोट का डिफरेंस जो है इन तीनों ही सीरीज में आपको देखने मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, डिज़ाइन से लेकर, फीचर से लेकर, पिक्चर क्वालिटी से लेकर, ये सब कुछ आपको सैमसंग के नए टीवीज में एग्जैक्टली सेम देखने मिलता है, बस यही रिमोट का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिया गया है। बाकी अगर बात करी जाए इन नए टीवीज में आपको पुराने टीवी से कंपैरिजन, यानी 2023 मॉडल के कंपैरिजन में क्या कुछ नया देखने मिलता है, तो एज सच कोई बड़ा अपग्रेड यहाँ पर नहीं किया गया है। एक आधा थोड़ी मोटी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको ट्वीक देखने मिल जाती हैं, थोड़ी सी अपडेट कर दी गई हैं, दैट्स इट। ऐसा कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलने वाला है, 19-20 का फर्क इधर उधर हो सकता है, और मोस्टली केसेस में टीवीज ऑलमोस्ट सेम ही निकल कर आते हैं। जो दो तीन डिफरेंसेस मैंने यहाँ पर ढूंढे हैं, वो पहला तो ये है डिज़ाइन चेंज। जो पुराने वाले वेरिएंट्स हैं उनमें जो सेंसर था और जो IR सेंसर और लोगो था वो सेंटर में था, और इस साल में यहाँ पर सभी टीवीज में वो यहाँ पर साइड में दे दिया गया है। बाकी इसके अलावा टीवी में आपको VRR का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है, तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपको थोड़ा वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। हालांकि पैनल जो है इन टीवीज में 50 हर्ट्ज़ का ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है मोशन एनहांसर मिल जाता है 60 हर्ट्ज़ का, जो कि थोड़ा सा मोशन को एनहांस कर देता है, तो अगर आप चाहते हो तो उसे भी इनेबल कर सकते हो। बाकी इसके अलावा IoT इनेबल एक दो फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा पुराने साल वाले मॉडल्स में और इस साल वाले नए मॉडल्स में ऐसा कोई मेजर अपग्रेड नहीं देखने मिलता है, ऑलमोस्ट जो टीवीज हैं वो सेम निकल कर आती हैं। और इस वजह से मैं आपको फिलहाल के लिए
रेकमेंड करूंगा कि अगर 2023 वाले मॉडल्स फिलहाल अभी मार्केट में अवेलेबल हैं अच्छे प्राइस पर, तो मेरे हिसाब से आपको 2023 वाले सीरीज को कंसिडर करना चाहिए 2024 के बजाय। अगर फ्यूचर में 2023 जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो 2024 वाले जो इतने भी टीवीज है ना, इनकी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो बेस्ट प्राइस पर आपको मिल जाएंगे, तो समय आप 2024 कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर बजट का कोई इशू है नहीं, तो डेफिनेटली 2024 बाय कीजिए, कोई भी इशू नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सिचुएशन। अभी बात करते हैं सैमसंग के 2023 वाले मॉडल की। तो यहाँ पर सैमसंग ने क्रिस्टल आई स्मार्ट लॉन्च किया था, इसको मैंने खुद अच्छी तरीके से चैनल पर बाय करके टेस्ट कराया, टीवी काफ़ी बढ़िया है। और सैमसंग के इनमें से कोई भी आप टीवी ले लो, पिक्चर क्वालिटी, परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर देखने मिलती है आपको, तो इनमें कोई भी टीवी आपको निराश नहीं करेगी। बस इंपॉर्टेंट ये है कि राइट प्रोडक्ट बाय करना है राइट प्राइस पर, और इसी वजह से मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए, और जितने भी क्वेश्चंस है ना वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। ओके, तो सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट, इसे आप सैमसंग का पिछले साल का बेस वेरिएंट कह सकते हो। इसकी जो प्राइसिंग है फिलहाल 29,000 रुपीस है 43 इंच वेरिएंट के लिए, 55 इंच की प्राइसिंग यहां पर 44,000 रुपीस है, 65 इंच जस्ट आपको 63,000 रुपीस में मिल जाएगा। और इसमें भी आपको नॉर्मल रिमोट मिलता है बिना किसी वॉइस असिस्टेंट के। बाकी टीवी काफी बढ़िया है, मैंने यूज करा है, लाजवाब पिक्चर क्वालिटी यहां पर आपको मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट में, और सैमसंग की मतलब आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलती है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। वेल, इसमें और एक वेरिएंट अवेलेबल है सैमसंग क्रिस्टल 4K विजन, जो कि आप कह सकते हो कि इस साल का जो टॉप वेरिएंट है सोलर रिमोट वाला वो वाला है। तो यहाँ पर सैमसंग ने इसे लगभग 6-7 महीने पहले ही लॉन्च करा है। तो इसकी जो प्राइसिंग है 31,000 रुपीज़ है 43 इंच वेरिएंट के लिए, 55 इंच की प्राइसिंग 45,000 रुपीज़ है, और 65 इंच की प्राइसिंग यहाँ पर 71,500 रुपीज़ है। और यहाँ पर भी आपको वही सोलर रिमोट मिल जाता है जो कि इस साल के टॉप वेरिएंट में देखने मिल रहा है, जिसकी प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है। 43 इंच वाले वेरिएंट में 5,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर आपको 55 इंच वाले वेरिएंट में देखने मिल जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस समय अगर आपको 2023 वाला मॉडल मिल रहा है सैमसंग क्रिस्टल 4K विजन का विथ वॉइस इनेबल रिमोट सोलर पैनल के साथ, तो 4-5 हज़ार रुपये बचा कर 2023 वाला ले लो, वो ज़्यादा सेंस बनाता है। बाकी अगर आपके पास एक्स्ट्रा जो 4-5 हज़ार बच जाते हैं, उसमें थोड़े और एक्स्ट्रा पैसे आप ऐड करके एक अच्छा सा साउंड बार लेकर एक बढ़िया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आप पा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जब तक 2023 वाले मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वही बाय करिए। जब ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और नए वाले मॉडल्स की प्राइसिंग ड्रॉप हो जाती है, लगभग 31,000-32,000 रुपीस के आसपास ड्रॉप हो जाती है, तो उस समय तो डेफिनेटली आप ले ही सकते हो, उसमें कोई दो राय है नहीं। बाकी इन सभी टीवीज़ के जो ऑथराइज सेलर्स की बाइंग लिंक्स है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप जानना चाहते हो कि टीवीज़ की पिक्चर क्वालिटी कैसी है, फीचर्स कैसे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, तो आप मेरा ये रिव्यू वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सैमसंग के सभी टीवीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, तो इसकी जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, ये वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा। बाकी इस साल कौन सा टीवी बाय करना चाहिए मुझे इन तीनों में से, जिसका वीडियो आप देखना चाहते हो नीचे कमेंट करो। जो भी आप कमेंट करोगे वो टीवी में बाय करके आपके लिए डिटेल रिव्यू वीडियो इस साल भी लेकर आऊंगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। और अगर कोई डाउट है, नया टीवी लेना चाहते हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा लेना चाहिए, तो आप कमेंट तो कर सकते हो। इसी के साथ मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, फॉलो करने की जरूरत नहीं, वहां पर जस्ट जाकर डीएम कीजिए, अपना रिक्वायरमेंट बताइए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सावनारा।